आज हम बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब विल की, और काफी इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब है जिसको हमको यूज करना आना चाहिए। कि अगर मैं कहूँ कि अगर हम विल को दिल से याद करते हैं तो हमारी स्पीकिंग बहुत बेटर हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग विल को अगर समझ गए आज, तो आपकी स्पीकिंग में चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, सो पहले हम सीखेंगे कि विल का यूज कहाँ करेंगे, तब हम उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल यूज द विल व्हेन वी प्रिडिक्ट समथिंग। प्रिडिक्शन में यूज करते हैं। प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है? प्रिडिक्शन मतलब होता है स्टूडेंट्स भविष्यवाणी। जब हम भविष्यवाणी करेंगे, भविष्यवाणी जब हम करेंगे तब हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो जब भी हमें भविष्यवाणी करनी होगी तो हम विल का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई कल बारिश होगी, तो इट विल रेन टुमोरो। अगर मैं भविष्यवाणी करूं कि मेरे पापा कल मेरे लिए टॉय लाएंगे, कि भाई माय फादर विल ब्रिंग अ टॉय फॉर मी। समझ में आया? तो जब भी हम कभी प्रिडिक्शन करेंगे, मतलब भविष्यवाणी करेंगे, तो हम विल का यूज करेंगे। और ये बहुत सिंपल है। जैसे मैं कल एक नई वीडियो डालूंगा, आई विल अपलोड अ वीडियो टुमारो। मतलब क्या है कि पक्का नहीं है कि डालूंगा नहीं डालूंगा, लेकिन मैंने प्रिडिक्शन कर दिया, भविष्यवाणी कर दी। तो जब भी आप भविष्य की बात बोल दोगे तो वो प्रिडिक्शन हो जाएगी। प्रिडिक्शन में हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, फ्यूचर की हर एक बात प्रिडिक्शन है। फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं, तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्शन बोल देते हैं। तो फ्यूचर में विल का यूज होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है कि प्रॉमिस जब हम करेंगे तब हम विल का यूज करेंगे। प्रॉमिस किसी से कि भाई देख मैं ऐसा जरूर करूंगा। ठीक है, प्रॉमिस है दैट आई विल फिनिश द होमवर्क बाय फ्राइडे। मतलब फ्राइडे तक मैं होमवर्क फिनिश कर दूंगा। तो एक तरीके से ये प्रॉमिस हुआ है, लेकिन प्रिडिक्शन में भी आ जाएगा। ठीक है, कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा। समझना ध्यान से इस बात को। आई विल फिनिश ऑल द वर्क बाय फ्राइडे। हमने यहाँ क्या किया, प्रेमिस किया। अगर मुझे कहना है कि पक्का मैं 200 वीडियोस डालूंगा इन नेक्स्ट 7 डेज, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई विल अपलोड मोर देन 100 वीडियो इन नेक्स्ट 7 डेज। आई विल अपलोड मोर देन 100 वीडियोस इन नेक्स्ट 7 डेज। सो इस तरीके से मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों से, तो प्रॉमिस में भी विल का यूज किया। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने में भी हम विल का यूज करेंगे। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है खुद का, मतलब आप अपने आप से डिसीजन ले रहे हो। ये तो जब आप अपने आप से डिसीजन लोगे तो हम उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस डिसीजन। ठीक है, जब हमारा खुद का होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, आई विल लेंड यू सम मनी, मतलब कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। अब ये मेरा खुद का डिसीजन है। मेरा खुद का डिसीजन है कि मैं एक नया चैनल स्टार्ट करूंगा। आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर या आई विल स्टार्ट अ न्यू चैनल टुमारो। ठीक है, तो जब भी हम कभी स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेंगे तो भी हम यूज करेंगे। आई होप ये समझ में आया। एंड द लास्ट इज रिक्वेस्ट और डिमांड। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, किसी से डिमांड करेंगे, तो भी हम विल का यूज करेंगे। कैसे? देखिए, विल यू प्लीज गिव मी दैट बुक। तो विल यू प्लीज तक याद रखो। देखो, विल यू प्लीज, लड़कियों को बहुत सुना होगा ये शब्द बोलते हुए, विल यू प्लीज, ऐसा करोगे क्या? क्या भगवान के लिए 2 मिनट चुप बैठोगे? विल यू प्लीज कीप क्वाइट फॉर अ मिनट, ऐसा सुना है? हाँ, लड़के बहुत बोलते कि भगवान के लिए चुप हो जा मेरा भाई, विल यू प्लीज शट अप, ऐसा सुना है? तो ये वही सेंटेंस है भाई जो जान लेता है लाखों लोगों की। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं विल की। विल का कहाँ कहाँ यूज करेंगे? पहला मैंने सेंटेंस लिखा, विल यू प्लीज ऐसा करोगे, मतलब कि क्या तुम ऐसा करोगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विल यू प्लीज कीप क्वाइट, क्या तुम चुप रहोगे, क्या तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दोगे। विल यू प्लीज लीव मी अलोन,
इस तरीके से सेंटेंस बोले जाते हैं। और हालांकि लड़कियों के मुंह से ज्यादा सुने जाते हैं, लेकिन लड़के भी बोलते हैं। लड़के प्रेडिक्शन करते हैं इसकी जगह, लड़के विल यू प्लीज नहीं बोलते, प्रिडिक्ट कर देते हैं। उसे बोलना है गए तो पिटेगा या नहीं पिटेगा। सो स्टूडेंट, ये तो थोड़ा सा घटिया जोक हो गया, लेकिन आज हमने सीखा है विल के बारे में। विल के बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हम अपनी वीडियोस को पहले से ज़्यादा बेहतर बना सकें। थैंक यू।